बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हरी झंडी दिया ताकि हम समीकरण देखते हैं बिजलाल तुम्हें गाजीपुर लोकसभा लगा देंगे। अगर ऐसी स्थिति आई तो गाजीपुर लोकसभा लड़ करके जीत लिया जाएगा। जिससे मैसेज गलत जा रहा हाँ, लाइन में हम भी हैं और लाइन में नहीं है सबसे आगे वाली लाइन में हम भी खड़े हैं। हमने कह दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि 50 के लगभग पार हमारी उम्र जा रही है और नेताजी ने जब से पार्टी का गठन किया है तब से मैं आपके लिए और पार्टी के लिए गा रहा हूँ। कब क्या चाहिए आपको बता दो तो सोचना कि कुछ पैसा वैसा मांगे काम खत्म हो जाएगी। हमने कहा कि नहीं, हमें गाजीपुर लोकसभा लड़ना है बस एक बार। कहा कुछ और मांग लो, हम कहा इससे नीचे कुछ नहीं, गाजीपुर लोकसभा। बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हरी झंडी दिया ताकि हम समीकरण देखते हैं बिजलाल तुम्हें गाजीपुर लोकसभा लगा देंगे। अगर ऐसी स्थिति आई तो गाजीपुर लोकसभा लड़कर के जीत लिया जाएगा। स्थिति नहीं बनती है तो जो भी प्रत्याशी आएगा उसको डंड की चोट पर जिता के भेज दिया जाएगा पार्लियामेंट में। हम कुहाड़े वाला थोड़ा है ना, मिल तो कुहाड़े बिना मंगले कुछ मिल बिना रोले मायो ना पिया कका। और सदानंद भैया के द्वारा ये पुरस्कार रहा और ये हमारे कका हमारे समिति है ना, ये सम्मान हमारे तरफ से मिला। बाबतपुर एयरपोर्ट आइए कवि जी, स्वागत स्वागत हमारे गुड्डू केसरी जी आपके द्वारा ये 500 रुपया देकर के सम्मानित किया गया।